वक्त झारसुगड़ा के लोग कोरोना की कहर से खुद को बचा रहे थे, उसी दौरान झारसुगड़ा के एक व्यक्ति ने कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए एक मासूम बच्ची को नई जिंदगी दिलाने के लिए उसकी मदद कर रहा था। आज हम उस शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे। झारसुगड़ा शहर में रहने वाले ईश्वर राव, जिसने एक गरीब माता पिता को एक बार फिर से मुस्कुराने की वजह दी है उनकी बेटी की आंखों की ऑपरेशन करने में उनकी मदद करके। झारसुगड़ा डबलिंग कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति की बेटी की आंखों में कैंसर हो गया था और ऑपरेशन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर माता पिता पूरी तरह से टूट गए थे। बार बार प्रशासन के पास जाकर मिन्नतों के बावजूद उनको निराशा ही मिली। लेकिन जब ईश्वर राव को इस बच्ची की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने एक मसीहा की तरह उस बच्ची की मदद की। ईश्वर राव ने बच्ची के ऑपरेशन के लिए सारे प्रकार की सहायता की। उनके कारण आज एक बच्ची को नया जीवन दान मिला है। आज के समाज में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है जो दूसरों के दुख को अपना सोचकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए वायरल झारसुगड़ा द वन न्यू ट्रस्ट। वैसे ही अभी कुछ देर पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी जिसमें एक छोटी सी बच्ची जिसकी आंख में बताया जा रहा है उनके पेरेंट्स की तरफ से कि उनकी आंख में कैंसर हुआ था, जो कि आज नहीं 2 साल पहले जब कोरोना स्टार्ट ही हुआ था तब से उसकी आंख में कैंसर हुआ था। लेकिन उस समय पे सरकार की तरफ से उनको ना मदद मिला ना किसी भी तरीके का सहायता दी गई, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं माना। तो जाके इनकी किन लोगों ने इनकी मदद की, चलिए उनसे डायरेक्ट पूछते हैं सबसे पहले कि बच्ची को हुआ क्या था। सर, बच्ची को आँख में कैंसर हो गया था जिसका पता हम लोग को नहीं था। हम तो छोटे इंसान हैं, ज़्यादा मामूली इंसान हैं, ज़्यादा ये सब का चक्कर में मतलब इतना हम लोग को जानकारी नहीं है कि आँख में भी कैंसर होता है। यहाँ झारसुगड़ा में पहला मेरा बच्ची है जिसका आँख में कैंसर है। सर, हम लोग को नहीं पता था, जैसे हम लोग को पता चला हम लोग इसको लेके गए यहाँ दिखाया हॉस्पिटल में। पहले तो इसको उल्टी से स्टार्ट उल्टी हुआ, फिर उसका पता हम लोग लेके हॉस्पिटल गए यहाँ पर ओवर ब्रिज के पास, ये कलिंगा मेडिकल है वहाँ पर ही लेके गए। तो उल्टी उल्टी का दवाई दिए, फिर सुबह से उसका आके पूरा वन सेट सर फूल के प्रेस से झूल गया मेरा बच्चा। फिर हम लोग लेके वो एक हफ्ता ना खाई ना पी, चुपचाप खाली पानी तक नहीं पी रही थी मेरा बच्चा, खाली रो रही थी। झारसुगड़ा पे वहाँ कुमार ऑप्टिकल्स करके मंगल बाजार मोड़ पे है, वहाँ पर ही दिखाया तो डॉक्टर बोले कि इसको इन्फेक्शन हो गया है, ये वाला जो अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया कि ये ड्रॉप डालो उसको ठीक हो जाएगा। 3 महीना का दिए थे सर, हम लोग 6 महीना तक डाले कोई ये नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मेरा बेटी का आँख खुली फिर उसका बाद हम लेके गए वहाँ पर उनका पास, तो उस टाइम भी बोले कि इनको इन्फेक्शन हुआ। फिर वो दवाई दिए, वो दवाई की कोई काम नहीं हुआ। फिर हम लोग लेके इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हम लोग का ये ब्लैक डायमंड, वहाँ लेके गए सर। तो वहाँ पर ही देखे डॉक्टर तो तुरंत हम लोग को बुरला रेफर कर दिए। वहाँ पर ही गए तो सीटी स्कैन हुआ तो हम लोग को पता चला कि मेरा बच्चे का आँख में कैंसर है सर। हम लोग को उस टाइम बोला गया था कि ट्यूमर है, तुरंत आँख निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पर ही गए तो बोले कि तुरंत आँख निकालना पड़ेगा। तो हम लोग बोले कि सर ऑपरेशन तो यहीं पर ही होगा, तो बोले अभी नेहरू सर्जन कोई नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो सकता। और हम लोग वापस घर आ गए। कब की बात है ये? उस ये जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसी टाइम सर। हम लोग तो गरीब आदमी कैसे कैसे जोड़ जोड़ के जाते थे ऑटो करके, जो ऑटो का 300-400 लगता था वो ऑटो को 1500-1500 दे के हम लोग जाते थे बुरला। एक हफ्ता बाद 2 हफ्ता बाद ऐसे ही बुलाते थे लेके हम लोग अपना बच्चा को जाते थे। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो फिर आ गया तो हम लोग को पता चला कि हम लोग सोचे कि कहीं और अपना बच्चा को दिखाएंगे, अच्छा जैसा भी होगा अच्छा अपना से अच्छा डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर पता चला कि रायगढ़ में कोई अच्छा डॉक्टर है बोल के, तो हम लोग सोच रहे थे कि परमिशन, उस टाइम तो लॉकडाउन चल रहा था सर, कोई कहीं आ जा नहीं सकता था बिना परमिशन के। तो कुमारी आंटी वहाँ आ रहे थे रोते रोते अपना तकलीफ में थे, तो पूछे क्या हुआ रे परमिला क्यों रो रही हो? तो मैं बोली कि मैडम आंटी मेरा बच्चा का ऐसा ऐसा स्थिति है, हम लोग तो खुद परेशान। बीच में यहाँ पर एक जन ये बीजेपी कार्यकर्ता थे, वो उनको पता चला तो वो भी आए मदद के लिए, बोले कि आप वही बताया कि रायगढ़ में है एक आँख का डॉक्टर। तो हम लोग को बोले कि सर हम लोग को आर्थिक सहायता भी चाहिए सर, हम लोग नहीं कर सकते उतना दूर, हम लोग नहीं जा सकते। तो बोले कि हम लोग आर्थिक सहायता नहीं अभी दे सकते, अभी ये लॉकडाउन में कहाँ से हम लोग आर्थिक सहायता देंगे। तो कोई हम लोग वहाँ से कोई ये नहीं हुआ। फिर उसका बाद हम लोग ये आंटी को बोले कि आंटी यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री का कोई यहाँ पर ऑफिस है बोल के, तो बोले ठीक है तुम जब बोलोगे तो हम चलेंगे। तब तक वो अपना ईश्वर सर को बुलाए, जैसे उनको पता चला सर वो तुरंत आए
उनको 10:30 बजे करीब फ़ोन गया होगा, 11 बजते बजते उनका घर आए, जैसे आए वैसे में हमको बुलाए। उसी के बाद वो हम उनको बताए कि सर ऐसा ऐसा हम उन लोग के बेटी का ऐसे हो गया, डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो वो परमिशन लेने पहला बात तो खुद अपना गाड़ी से हम लोग को भेजे SDMO के पास से ये लिखवा के लाए लेटर पैड, और लेटर पैड के आधार पर हम लोग को वहाँ पर ही भेजे, और फिर वही परमिशन लेके आए वो अपना गाड़ी से अपना ड्राइवर अपना आदमी के साथ हम लोग को वहाँ पर ही भेजे। हम तो लोग कभी हम लोग सर झारसुगड़ा से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग अपना बच्चा के चलते भुवनेश्वर गए हैं। सुबह 5 बजे से निकले तो 7 बजे तक हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पर इससे हुआ उसी टाइम फर्स्ट टाइम से ईश्वर सर हम लोग का बहुत मदद किए हैं। टोटल जाने आने से लेके आकर अभी तक अगर वो नहीं मिलते सर मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहता सर। और ये सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की मदद नहीं मिली? किसी भी तरह का मदद नहीं मिला सर सरकार का तरफ से। फिर बोले कि चलो हम लोग को तो नहीं पता था सर कि सरकार तरफ से भी इसमें सहायता मिलेगा, तो सर बोले कि मिलेगा, चलो हम आप लोग को लाइनअप करा दे रहे। दो बार फॉर्म भरे सर, लेकिन कोई ये नहीं, मजिस्ट्रेट के पास गए, कलेक्टर के पास गए, कोई कहीं से कोई सहायता नहीं मिला, लेकिन अभी तक वही हम लोग का सहायता कर रहे सर। फिर हम लोग सोए कि ये हमारे हस्बैंड है जो छोटा मोटा बेलपहाड़ में गैरेज में काम करते हैं, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसी की वजह से हम अकेले अपना बच्चा को लेके जाते थे वहाँ पर भुवनेश्वर में। हम बहुत थक जाते थे अपना बच्चा को लेके, रोते रहते थे धीरे धीरे करके, अभी तक भी हम अकेले ही अपना बच्चा को लेके जाते हैं वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर अकेले सब करते हैं, फिर भी जैसे तैसे करके अपना बच्चा का इलाज करा रहे हैं। तो ये कितना बार ऑपरेशन हो चुका है? मेरे बच्ची का 3 बार हो चुका है ऑपरेशन। और कितना बचा हुआ है? और एक बार ऑपरेशन होगा जो बोले डॉक्टर की 7-8 महीने के बाद एक आर्टिफिशियल आँख बैठा देंगे, अभी आपका डर नहीं है लेकिन वापस हो सकता है। लेकिन अभी बच्ची स्वस्थ है? अभी स्वस्थ है सर। सरकारी के बारे में देखिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मेरा सरकार तो मैं सोचूंगा ईश्वर ही है, ईश्वर बेटा मेरा, क्योंकि उसने उसको जैसे जैसे हम बोले कि इस तरह का बच्चे का तबीयत ठीक नहीं, क्या करना क्या नहीं करना, कुछ एडवाइस दो। काफ़ी लॉकडाउन का पीरियड था और हमने कोशिश भी की कि हम लोग खुद पर्सनल कुछ गाड़ी का करके व्यवस्था करके भेजेंगे सोच के, लेकिन तब तक ईश्वर ने बहुत कुछ किया। आज उस बच्ची का जो भविष्य जो बन गया, तो मैं बोलूँगा कि ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगा। और बहुत ही किस्मत वाली है कि वो लड़की किसी की मदद से वो आज वो इस तरह का खड़ी हुई। फिर मैं एक कहना चाहती हूँ कि इतना लॉकडाउन में बहुत बड़ा पैसा वाला भी कोई भी देखिए, अपना कोई अपनाता नहीं है, अपना माँ बेटी हो कोई भी, किसी को देखना आना जाना नहीं करता था। उतना लॉकडाउन में भी, इतना क्रिटिकल पोजिशन में भी इनको ट्रीटमेंट कराए, उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार है इनका। जैसे एक बेटी को इतना लॉकडाउन में किया तो उसी के लिए बहुत खुशी है, क्योंकि कोई किसी को नहीं हो रहा बाबू उस टाइम लॉकडाउन में, अगल नए बगल नए माँ बेटी किसी को नहीं हो रहा, इतना में भी उतना मदद इन लोग को मिल गया मेरे बेटा की तरफ से, बहुत खुशी है। लोग के पीछे में उनका माँ घर है जी। तो जैसे ही उनको भी देखता था छोटा टाइम में, जो एक बार बच्चों को लेके परेशानी होता था, उसे हमारे स्ट्रीट से जा रही है घर, मैं बुलाई हूँ, क्या हुआ प्रमिला, बोले सर ऐसे ऐसे बात है आंटी, लड़की को ठीक नहीं, क्या हुआ बोले सर, वही संबलपुर सब दिखाया है, उनको कैंसर बोला है, छोटा बच्चा से बहुत ख़राब लगा। तो बोले ठीक है, हम तो नहीं कर पाते, मेरा बेटा है ईश्वर, उनको एक बार बोलूँगी, उनका थ्रू से अगर जितना भी मदद होगा, तो डॉक्टर का हो कुछ भी मदद होने से वो कर देगा, बोले सर हाँ आंटी बुलाइए। तो मैं ईश्वर बेटा को बुलाई हूँ, तो तुरंत जैसे फ़ोन किया तुरंत घर आ गया, तुरंत घर आने से फिर प्रमिला को बुलाई, बच्चा को भी बुलाई, मैं बोली उनका जो ट्रीटमेंट किया है वो पेपर सब लेके आना बेटा, बोलने से लेके आई, लेकर तो ईश्वर देखा तुरंत तुरंत जो जो फॉर्म में वो सब फोटो खींच के जहाँ भुवनेश्वर की कहाँ भेजा है, तभी से उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ है। करीब 2 साल हो जा रहा बाबू, 1 साल का पहले 2 साल का पहले बाबू को बुलाया, ये 2 साल से वो मेरे ईश्वर बेटा को जितना भी काम है छोड़ के उनके पीछे में, ऐसे वाला बहुत जन हुआ होगा लेकिन इनका हमारा घर का सामने है ना, तो उनका मदद से उनका हाथ से जब भी मम्मी वो हॉस्पिटल जाएगी दे दीजिए उनका बस का या तो ट्रेन के खाने का, उनका हाथ से दे के तरफ से गवर्नमेंट तरफ से मिला कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, मैं जितना तक जानती हूँ मेरे बेटा ने किया है, और बाद में आप ही तो रिजल्ट, आज ये बच्चा एक लड़की के ज़िंदगी के लिए वो ये किया है, पैसे का वो सब नहीं देखा है, लेकिन आज अब तो स्वस्थ है, इसी के लिए हम लोगों को बहुत खुशी है। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नज़र जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी।
यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे